जा कोई जाए जाए जल्दा जा। आ गया भाई, ये लो आ गया। नबील, तुमने हीरा संभाल के रख लिया था ना? हाँ जानू, मैंने जुराब में छुपा लिया। वेरी गुड पुत्र, ऐसा कर अब इस जुराब को ना अलमारी में छुपा दे। अलमारी में भू फैल जाएगी, और अगर इस जुराब को हमने अलमारी में रख दिया तो ज्वेलर के पास क्या लेकर जाएंगे? हाय, तो आप जुराब बेचने जा रहे थे मैं। नबील प्लीज, टैक्सी में जाना और टैक्सी में वापस आना। ओके जानू, डोंट वरी। नबील, हम चले तो जाएंगे मगर इतने ज्यादा पैसे लेकर वापस कैसे आएंगे? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा नहीं मामू साहब। एक काम करते हैं नबील, हम ARY ज्वेलर से ना चेक ले लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, चले आओ। खबरदार, हम अपने नाजरीन को खबरदार करते हैं कि बाजारों में रुख ना करें। आज सुबह से शहर में ज्वेलर्स की दुकानों पर डकैती की 10 वारदातें हो चुकी हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी का आलम है। चोरों का एक गिरोह शहर भर में घूम रहा है, लोगों के घरों में कूद कर और घंटियां बजाकर घर की कीमती चीजें चुरा रहे हैं। आगे आप लोगों की मर्जी, अब चलते हैं बुलबुले के बकिया हिस्से की जानिब। शुक्रिया। यार नबील, अब क्या करेंगे? यार नबील, मैं तो कह रही हूँ कि जब तक शहर के हालात ठीक नहीं होते ना, इस हीरो को घर में ही छुपा लेते हैं। ठीक है जानू, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। इस वक्त कौन आ गया? ओए पुत्र, कोई चोर तो नहीं आ गया? अरे चुप करो यार। नबील, सबसे पहले तो इस हीरे को कहीं छुपाओ। ओ यार, कहाँ छुपाऊँ, इस घर में कोई छुपाने की जगह ही नहीं है यार। पुत्र, इनके मुंह में छुपा दे। अरे मेरे मुंह में हीरा कैसे छुप सकता है यार? ले, आपके मुंह में तो खुद ये हीरे को लेके छुप सकता है। मेरा मुँह है, कोई अली इमरान का मुँह नहीं है। ओ माँ जी, बस करें यार, बाहर जाके देखे कौन आया। चलो तुम मेरे साथ चलो, हीरा छुपाते चलो। ना, मैं अकेले दरवाजे पे नहीं जा रही, चोर कहीं मुझे उठा के ले गया तो फिर? अरे तुम्हें उठाकर क्यों लेकर जाएगा भाई? आपने सुना नहीं, वो टीवी पे बता रहे थे कि वो लोग ना घरों से कीमती चीजें उठा उठा के ले जाते हैं। ओ, आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चल, जनु आओ, हम हीरा छुपाएं। चलो चलो, आप देखिए, आओ। चोर चोर चोर। अरे मुझे क्या पता, किसी की शक्ल पे थोड़ा लिखा होता है कि चोर है। तो फिर पूछ लेना इससे। अरे वो अपने मुंह से थोड़ा बताएगा कि वो चोर है। तो किसके मुंह से बताएगा? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। दो दिन से भूखा, कुछ नहीं खाया, खुदा तुम्हें बहुत देगा, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे। अरे ये तो फकीर है, तुम खाम खा डर रही थी, भगाओ इसे। कैसे भगा दूं, इसने तो पहले ही दो दिन से खाना नहीं खाया। अरे इसे को माफ करे यार। अम्मा जी आप भी कुछ दे दो मुझे, मौजूद है। तेरे अम्मा कहने पे तो मैं तुझे सिर्फ गालियां दे सकती हूँ। चल भाग दे तो फादर से। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं आप? बाय लॉन में वो है वो। कौन वो माँ जी? वो जो घर में घुस जाता है। जो चूहा। चूहा फिर इस घर में घुस आया है? ओह चूहा ही आया है ना माँ जी, आप तो ऐसे डरी हैं जैसे चोर घुस आया है। चोर चोर घर में चोर घुस आए हैं। क्या? हाँ मैंने उसे अपनी आंखों से लॉन में भागते हुए देखा है। अरे कोई आंखों से कैसे भाग सकता है मोमो, तुमने टांगों से देखा होगा। ओ यार महमूद साहब, टांगों से को कैसे देख सकता है यार, माँ ही ने आंखों से देखा होगा यार। ओ यार ये बकवास बंद करो, चलो चल के देखते हैं। ओ चलो तुम लोग देखो, मैं हीरे को कहीं और छुपा के आता हूँ। हीरे को रहने तो, अभी खिड़कियाँ दरवाजे तो बंद करो यार। चलो चलो चलो। आप एक काम करें, तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद करें। हाँ ठीक है मैं करता हूँ। माँ जी वो चोर देखने में कैसा था? ओए पुत्र मैंने उसका मुंह नहीं देखा। क्यों, उसने मास्क पहना हुआ था? नहीं पुत्र, उसने कमीज शलवार पहन रखा था। मुंह पे? नहीं जिस्म पर। माँ जी उसके पास कोई गन वगैरह तो नहीं थी ना? और मुझे क्या पता, मैंने कौन सा उसका इंटरव्यू लिया है। जानू अब क्या करेंगे, चोर घर में घुस गया है। नबील ऐसा करो, बट साहब को फोन करो, उनसे कहो इधर आए और चोर को पकड़ के ले जाए। हाँ ये ठीक है। नबील, मैंने सारे खिड़कियां दरवाजे चेक कर लिए हैं। चेक नहीं करने थे, बंद करने थे। ओहो बाबा, बंद करके चेक किए हैं। यार महमूद साहब, मैं बट साहब को फोन करके बुला रहा हूँ ताकि वो आए और चोर को पकड़ के ले जाए। वो जिसे बट साहब आके पकड़ेंगे वो चोर होगा। हाँ जी। अच्छा जी। हेलो बट साहब, मैं नबील बोल रहा हूँ। हाँ जी बुलबुले वाला, कोई बुला बुलाई वाला। बट साहब तुम्हारे घर में चोर घुस गया है यार, आया हम इसे पकड़ के ले जाए ना यार। यार बट साहब तो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में बचा ही क्या जो चोर लूट के लेके जाएगा। उसको बता पुत्र, हमारे पास हीरा है। क्या कर रही है माँ जी, बट साहब को नहीं बताना वरना चोर के बजाय बट साहब आके हीरा चुरा के ले जाएंगे।
हाँ, तू 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 तुम बट साहब को बोलो कि खूबसूरत के पापा ने 1,00,000 रुपए भेजे थे, वो पड़े हैं। वो कहाँ पड़े हैं? जानू, पापा जी ने 1,00,000 रुपए भिजवाया है और तुमने मुझे बता रखा नहीं है। नबील महमूद साहब बट साहब को बोलने के लिए कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो बट साहब, वो मुझे ना खूबसूरत ने अभी भी बताया कि पापा जी ने 1,00,000 रुपए भेजे थे, आप जल्दी से आ जाए, कहीं चोर वो ना ले जाए यार, प्लीज। हेलो हेलो बट साहब, बट साहब आ रहे हैं ना? ओ नहीं यार, बट साहब दूसरी शूट पे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपने थाने के किसी और इंस्पेक्टर को भेजता हूँ। चलो किसी को तो भेज रहे हैं ना। हाँ माँ जी, जब तक इंस्पेक्टर आ रहे हैं ना, आप चाय बनाएं ताकि एक कप चाय पीते हैं, टेंशन कम होगी। हाँ ये गुड आइडिया है, जाओ ना चाय बनाओ। मैंने ना चोर को देखा है लैट्रिन में। नहीं नहीं, बाहर लॉन में। लॉन में कौन सा बाथरूम है जो आप वहाँ गए थे? नहीं, मैं अपने कमरे के वॉशरूम में गया था, बाहर निकला तो वो बेडरूम की खिड़की में खड़ा था। यार चोर बेडरूम में कैसे आ गया? अरे बेडरूम में नहीं आया, वो लॉन से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। लैट्रिन में? अरे नहीं भाई, बेडरूम में। फिर क्या, वो मुझे देख के डर के छुप गया। डर के छुप गया? हाँ, और उसके पास कोई हथियार भी नहीं था नबील। है इसका मतलब है कि वो कोई हल्का चोर है। हाँ। ओ महमूद साहब, हद ही करते हैं यार, वो चोर साला खुद बुजदिल, आप उससे डर रहे हैं? वो यार, हम चार चार मशटंडे हैं, हम मिलकर एक चोर को नहीं पकड़ सकते, लानत है वैसे हमारी जिंदगी पर। माँ जी खूबसूरत, महमूद साहब, क्या आप तीनों जाकर उस चोर को पकड़े, मैं उसको बांधने के लिए रस्सी अरेंज करता हूँ। तू भी हमारे साथ चलेगा उस चोर को पकड़ने के लिए, वरना हम में से कोई भी नहीं जाएगा। हाँ नबील, बात बिल्कुल सही है। चलें यार, कितने डरपोक हैं आप लोग, चलें चलता हूँ। ये हुई ना बात। चलो। ओ यार एक सेकंड, क्या हुआ? कोई डंडा वंडा, कोई बैट वैट पकड़ो, आप लोग चोर पकड़ने जा रहे हो, मुर्गी पकड़ने नहीं जा रहे। चलो चलो पकड़ो। हाँ जी जी वट साहब, मैं पहुँच गया हूँ, आप बेफिक्र होकर सीन शूट करवाए, मैं देख लूंगा। ओके बाय। तेरी जुरत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? ओ हम वो है वो। तू क्या समझता था, अरे हमारे घर में चोरी करना इतना आसान काम है? हमसे पूछ, 500 रुपया चुराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्यों मामू साहब? हाँ यार, ओए चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? ओए बोल ना साले। डर गया साला। यार आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बोलेगा ये? क्यों, ये गूंगा है? हाँ जी, इसके मुंह पे आपने टेप लगा दिया यार। उशो उशे। ओए इतनी देर से हम डायलॉग मार रहे हैं, तू पहले नहीं बता सकता था कि तेरे मुंह पे टेप लगी हुई है, कमीने? महमूद साहब, मेरे ख्याल में ना बट साहब को फोन कर देते हैं यार, मुझे इसकी रस्सी मजबूत नहीं लग रही। मेरा भी यही ख्याल है नबील। ठीक है, महमूद साहब बट साहब को फोन करता हूँ। जल्दी करो। यार महमूद साहब, बट साहब तो फोन ही उठा रहे हैं यार। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है तब तक बट साहब का भेजा हुआ इंस्पेक्टर आ जाए। ये ठीक है।
पिस्टल को तो रख दे यार, गोली भी चल सकती है। भाई इसमें गोली भी है। और नहीं तो क्या? क्यों नहीं बताया मुझे पहले? अल्लाह। ओ यार महमूद साहब, अगर पुलिस वाला ना आया तो क्या करेंगे? अरे करना क्या है नबील, इस चोर से हाथ पांव जोड़ के माफी मांग लेंगे और इसे छोड़ देंगे। महमूद साहब, मैं इस घटिया चोर से माफी नहीं मांगूंगा। महमूद साहब, मैं आपकी तरह को बुजदिल नहीं हूँ। मैं इस चोर को पुलिस के हवाले करके ही दम लूंगा। नबील पहले चेक कर लो, हो सकता है दरवाजे पे कोई और हो। ओ यार महमूद साहब क्यों डरा रहे हैं यार, मैं देखता हूँ। चलाओ मैं भी देखता हूँ। आजे, 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 आजे। आप कौन? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इस आदमी को देखा है कहीं। हाँ हाँ जरूर देखा होगा, मैं अक्सर टीवी ड्रामों में आता हूँ ना। एक दो सीन के लिए आते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं तो बहुत अच्छा करेक्टर करता हूँ ड्रामों में। वैसे वो चोर कहे जिसे आप लोगों ने रस्सियों से बांध कर बिठाया हुआ है? अरे आपको कैसे पता चला कि हमने चोर को रस्सियों से बांध के बिठाया हुआ है? अब वो जाहिर सी बात है, धागे से तो बांध कर बिठाने से रहे ना आप लोग। क्यों बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं यार? वो जो मैं बेवकूफों जैसी करता हूँ वो बातें हैं। हाँ जी आइए इंस्पेक्टर साहब, अंदर आइए, चोर अंदर है। आइए। ये है वो बदमाश चोर। फिर तू? आप जानते हैं इसको? हाँ हाँ, ये तो बहुत खतरनाक चोर है। वाकई? हाँ जी, इसके सर पे तो इनाम भी है। मगर इसके सर पे तो बाल है। आप हर वक्त जेलसी होते रहना। आप लोग चोर को इनाम भी देते हैं? अरे नहीं नहीं, इसके पकड़ने वाले को इनाम मिलेगा। क्या? हाँ हाँ। कितना इनाम? पूरे 2,00,000 रुपए। देखा नबील, अगर मैं इसे ना पकड़ता ना तो इसने भाग के आना था। बस कर दे महमूद साहब, बस कर दे। अगर मैं इसकी पिस्तौल छीन कर इसके सर पे डंडा ना मारता तो ये भाग जाता। पकड़ा? अरे मामू झूठ मत बोलो, मैंने पकड़ा इसे। महमूद साहब, मैं आप लोगों को क्रेडिट लेने नहीं दूंगा, इसे मैंने पकड़ा है। अरे लड़ना बंद करे यार, हम सब ने मिलके पकड़ा है। हाँ। तो फिर ठीक है, इनाम आप सबको मिलेगा। वशी वशी। आप एक काम करें इंस्पेक्टर साहब, आप इस चोर को ले दे और हमें हमारा इनाम दे दे। नहीं नहीं, वो तो आपको खुद ले जाना पड़ेगा ना इस चोर को। क्यों? अरे भाई आप लोग इस चोर को लेकर जाएंगे, थाने में जमा करवाएंगे, वहाँ आपका बयान लिया जाएगा, तभी तो आपको इनाम मिलेगा। हाँ ये भी ठीक है। चले महमूद साहब, इसको खोल के इसके हाथ बांध के लेके चलते हैं। चलो 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 चलो, जब 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 मुंह पे मुंह से नहीं डालना, इसके मुंह से नहीं डालना। पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, तू मुझे पकड़ के रख। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। बड़ा मारा है हमें। वैसे गलती आप लोगों की थी भाई, उस आदमी को मारने से पहले, बांधने से पहले ये तो चेक कर लेते कि वो पुलिस है या चोर। ओ यार जानू, माँ जी ने माहौल ही ऐसा बनाया था, क्या खाक पूछते उससे यार। ना तो पुत्र, थोड़ी सी अकल तो इस्तेमाल करनी चाहिए थी ना तुझे अपनी। अरे नबील बहुत दर्द हो रहा है यार। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई नबील। वो क्या जानू? कि जिसे हमने बांध के रखा हुआ था, अगर वो इंस्पेक्टर था तो जो इंस्पेक्टर बांध के आया था वो कौन था? मेरा ख्याल है वो चोर था। क्या मेरा?
चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं।